सोमवार इक्वाटर के सेजल मंढेरे ने वीडियो के जरिए लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। जहां कुछ लोग लॉकडाउन के बावजूद भी प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं सेजल ने अपने इस वीडियो के जरिए रामायण का उदाहरण देकर कहा कि जब कैकेयी के कहने पर राम 14 वर्षों के लिए वनवास जा सकते हैं, तो हम 21 दिनों के लिए देश के भलाई के लिए घर में क्यों नहीं रह सकते। एक तीसरी कक्षा की बच्ची द्वारा दिया गया मैसेज बहुत ही प्यारा और सीख वाला है। मी सेजल मेंढारे रानानापूर, नमस्कार, तुम्हा सर्वांना काही गोष्टीची जाणीव करून देत आहे। आज रोजी या परिस्थितीत कोणी गरीब नाही, कोणी श्रीमंत नाही, आपण सर्वजण एकत्रच आहोत। हे सुंदर जग बघण्यासाठी आपण 9 महिने आईच्या पोटात होतो, मग पुढची जग बघण्यासाठी आपण काही दिवस घरी राहू शकत नाही। तर जेव्हा श्रीराम कैकेयीच्या एका शब्दावर 14 वर्ष वनवासात राहू शकतात, तर आपण का 21 दिवस घरी राहू शकत नाही का? जे मला कळते ते तुम्हाला का कळत नाही? घरी राहूनच या कोरोना व्हायरसला हरू शकतो असं मला वाटते। हा व्हायरस आपल्या घराबाहेर निघण्याची वाट बघत आहे। संयम राखा, शांत राहा, डोक्याने विचार करा, आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या। इस कोरोना व्हायरस के बदल में छोटे छोटे बचने के उपाय बताना चाहती हूँ, जैसे कि अपने हाथ बार बार साबुन से अच्छे तरह धोए, चेहरे पर अपने हाथ बार बार ना लगाए, साथ साथ खांसते या छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचिए, हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, सुबह या शाम को हल्दी का धूप लीजिए, सुबह गर्म पानी में नमक डालकर उसके गरारे कीजिए। बस ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो कोरोना वायरस से सुरक्षित और स्वस्थ रह सकती है। ओके बाय, टेक केयर, लॉकडाउन का पालन कीजिए और इसे सीरियसली समझिए।